दवाइफ के लिए हर दिन एक जैसा होता है मास्टर। एक बार बत्ती बुझी तो सब एक। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज आया करती थी। लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक की थाप पर थिरक रहा हो। नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था। आज ये नाम कुछ कालिक ओढ़ चुका है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत भी मिला करती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवायफें राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थी। इसी पर बेस्ड है हीरा मंडी की कहानी, जिसे आखिरकार डेट मिल गई है। ये सीरीज 1 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। हीरा मंडी संजय लीला भंसाली का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है। मेकर्स ने हीरा मंडी की खूबसूरत और शानदार दुनिया की झलक दिखाई थी। फर्स्ट लुक रिलीज होने के बाद सारा मामला क्लियर हो गया है। हीरा मंडी के फर्स्ट लुक में संजय लीला भंसाली ऑडियंस को उस दुनिया के अंदर ले जाते हैं जहां दरबार और रानियां हुआ करती थी। टीजर की शुरुआत एक्ट्रेस मनीषा कोइराला से होती है। वो ट्रेडिशनल पोशाक में सजी धजी है और ये काफी शाही सा दिखाई दे रहा है। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी के शूट के लिए मुंबई की फिल्म सिटी में एक बड़ा सेट तैयार किया गया है। ये ठीक उसी जगह है जहां पहले गंगूबाई काठियावाड़ी का सेट बनाया गया था। इस सेट का काम लगभग पूरा हो चुका है। मेकर शो के म्यूजिक पर काफी फोकस कर रहे हैं। इस पर भी काम लगभग पूरा कर लिया गया है, जिसमें से एक गाना सकल बन रिलीज हो चुका है। संजय लीला भंसाली खुद हर गाने के कंपोजिशन को देख रहे हैं। हीरा मंडी लाहौर की दासियों की कहानी है। संजय लीला भंसाली के पास हीरा मंडी की कहानी पिछले 14 साल से है। भारत की तवायफों की कहानी अपने आप में काफी लंबी है, लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं। एकदम शुरू से शुरुआत करें तो साल 1584 की बात है। मुगल बादशाह अकबर के फतेहपुर सिकरी से अपने बोरा बिस्तर समेटा और लाहौर आकर बस गए। 1598 तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर ने कई रंग देखे। अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया। जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया और क्योंकि ये शाही दरबार के नजदीक था, इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया। धीरे धीरे इस इलाके में तवायफों का आना स्टार्ट हुआ। इनमें से अधिकतर काबुल से आई हुई थी। इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना। डांस के इस तरीके को मुजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे। तवायफों को वो ओहदा हासिल था कि लोग अपने बच्चों को तमीज़ और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे। मुगल काल में तवायफों और शाही मोहल्ले की ये शान बरकरार रही, लेकिन फिर 18वीं सदी में ये शान और शौकत उजड़ गई, जिसको हमने प्रोमो वीडियो में देखा था। मनीषा और सोनाक्षी के साथ हीरा मंडी में त्रिजा चड्ढा, अदिति राव हैदरी, शर्मीन सहगल और संजीदा शेख भी नजर आने वाली हैं। शो की कास्ट तो बहुत कमाल की है। अभी तक के टीजर और फर्स्ट लुक में इसके विजुअल सेट्स और म्यूजिक सब बहुत शानदार नजर आ रहे हैं। रिलीज डेट के सामने आने के बाद अब जल्द ही शो का ट्रेलर और नए टीजर भी